सिद्धिवाद अनुभवी के साथ। इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन और सतर्क रहने के किस्से सुनाएंगे। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भिखारियों को हम ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं। थोड़े बहुत पैसे, कपड़े और खाना। बनारस के एक व्यक्ति ने भिखारियों को एंटरप्रेन्योर बनाया है, जिससे भिखारी अपने खुद का बिजनेस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इनकम कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये वीडियो के माध्यम से पूरी स्टोरी। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। हम घर के बाहर जाते हैं तो सड़कों पे बहुत भिखारी भीख मांगते हुए नजर आते हैं। हम किसी भिखारी को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? थोड़े बहुत पैसे, थोड़ा खाना और पुराने कपड़े। इससे ज्यादा आप क्या दे सकते हैं? एक ऐसे इंसान है जिन्होंने भिखारियों को बिजनेस का आइडिया दिया है। इस शख्स ने भिखारियों को ऐसा कुछ दिया है जिससे कई भिखारी एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। वह कहते हैं, ना डोंट डोनेट इन्वेस्ट। बनारस के चंद्र मिश्रा का यह कमाल का आइडिया है। चंद्र मिश्रा लंबे समय से समाज सेवा के काम कर रहे हैं। इनका सबसे पसंदीदा कार्य गरीब के बच्चे को शिक्षा देना है। चंद्र मिश्रा कह रहे थे कि मैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन लग रहा था ये काफी नहीं है। अगर भिखारियों को शिक्षा मिले और रोजगारी ना मिले तो भी परिस्थिति ऐसे की ऐसी रहती है। इसीलिए जरूरी है कि भिखारियों को शिक्षा के साथ रोजगारी मिले। चंद्र मिश्रा अपने शहर के भिखारियों को भिखारी वृत्ति से छुटकारा दिलाना चाहते थे। चंद्र मिश्रा इसके लिए ना सिर्फ लोगों को डोनेशन की बजाय निवेश के लिए मना रहे थे, बल्कि भिखारियों को पैसों का सही इस्तेमाल करना भी सिखा रहे थे। बचत और उसके माध्यम से बिजनेस कैसे शुरू किया जाए और इनकम कैसे की जाए वो भी सिखा रहे थे। भिखारी रोज भीख मांगते और रोज खाना खाते। चंद्र मिश्रा का ऐसा कहना है कि जनवरी 2021 में उन्होंने भिखारियों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बिगर कॉरपोरेशन की शुरुआत की। भीख मांगने वाले को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना उसका लक्ष्य था। उसके साथ पैसे का मैनेजमेंट भी समझाना था। चंद्र मिश्रा को ऐसे करते समय शुरुआत में भिखारियों को समझाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वो कहते हैं, भले ही यह कार्य अभी भी सरल नहीं है, परंतु किसी भी तरह से 12 परिवार को समझाने में मैं सफल हो गया और 55 भिखारी मेरी बात को समझने लग गए और उन्होंने सबसे पहले पैसे को मैनेजमेंट करना सीख लिया। वह भीख मांग कर जो भी पैसा कमाते थे वह उसका सही निवेश कर रहे थे। उसको सीखना था इसके बाद सरकारी योजनाओं में अपने पैसे कैसे निवेश करें और निवेश करने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे करें और भीख में मिले हुए पैसे से कोई रोजगारी कैसे शुरू करें। चंद्र मिश्रा और उनकी टीम भिखारियों को उनकी स्किल के मुताबिक काम दिलाने के लिए जुड़ गई और एक साल के अंदर 55 भिखारियों को उन्होंने एंटरप्रेन्योर बना दिया। जो भी लोग भीख मांगते थे वो आज एंटरप्रेन्योर है। वो लोग कागज की बैग बना रहे थे, डेकोरेशन की आइटम बना रहे थे, सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे थे। वही लोग अब प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्टॉल लगा के काम कर रहे थे। उसके साथ ही स्थानिक दुकानों में, होटलों में और विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपना सामान बेच रहे थे। शुरुआत में उनकी बुनी हुई चीज़ों को मार्केटिंग करने के लिए चंद्र मिश्रा और उसकी टीम ने काम किया। उसके बाद उन्होंने यही भिखारियों को मार्केटिंग के गुण भी सिखा दिए। चंद्र मिश्रा का ऐसा कहना है कि रोजगार के अलावा इन भिखारियों की अगली पीढ़ी को शिक्षा मिले वो बहुत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने एक मॉर्निंग स्कूल खोली हुई है जिसमें स्थानिक शिक्षा दी जाती है। इसके बाद
यही बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला भी दिलवाया जाता है। चंद्र मिश्रा की टीम इन बच्चों को भी प्रशिक्षण दे रही है कि वो आगे जाके नौकरी की लाइनों में ना खड़े रहे और अपना खुद का बिजनेस करें। चंद्र मिश्रा का कहना है कि मुझे पता चला है कि भारत में कुल 4,13,000 भिखारियों को सालाना 34,200 करोड़ लोगों दान दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर इस राशि को निवेश किया जाए तो इससे और अधिक पैसा कमाया जा सकता है। अगर दान किए गए पैसे का इस्तेमाल रोजगार पैदा करने और प्रशिक्षण देने के लिए किया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। पुणे के एक डॉक्टर अभिजीत भिखारियों को समझा बुझा कर नौकरी दिलाने में लग गए थे और उसके साथ सिलाई चाट की दुकान जैसे छोटे मोटे व्यवसाय करवाने के लिए मदद कर रहे थे। उनकी इस कोशिश से 105 भिखारी अब तक नौकरी कर रहे हैं और करीब 300 के अधिक भिखारी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि अभिजीत भिखारियों के बच्चे को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए भी भिखारियों को मदद की है और प्रशिक्षण देते हैं। चंद्र मिश्रा और अभिजीत जैसे लोगों को परिचय टॉक ऐसे लोगों को सलाम करता है। आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो मेरे नंबर पे संपर्क करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए परिचय टॉक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।